चलो एक साथ चलेंगे हम वसुधैव कुटुंबकम्। हे वसुधैव 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 कुटुंबकम्। एक ईश्वर एक ज्ञान वसुधैव कुटुंबकम्। इस घर में हमें जीना है, हंसना और मुस्कुराना है, सबको गले लगाना है। जहां पर संस्कार थोड़ा सा रह जाता है, मरे एकदम मस्त उन्मत्त अवस्था में, वो अभ्यास से मिलने वाली समाधि को कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि। आनंद के लिए अभ्यास नहीं करना है, आनंद के लिए जागना है। अभ्यास से जो समाधि है उसको कहते हैं असंप्रज्ञात समाधि। तो जिसमें जो हठ योग से भी सिद्ध करते हैं, बंद लगाओ, प्राणायाम करो, आसन करो, नियम से रहो, शरीर को इस तरह से अभ्यास दीर्घ काल तक अभ्यास करने पर जो प्राप्त होता है संप्रज्ञात समाधि। फिर कुछ लोगों को जन्म से ही समाधि की अनुभव है, देखिए कुछ लोगों को बहुत अभ्यास करने के बाद उनका मन शांत होता है, मगर कुछ लोगों को स्वभाव से ही वो शांत रहते हैं, स्वभाव से ही ज़्यादा गुस्सा नहीं आएगा उनको, स्वभाव से ही हिंसा नहीं है, स्वभाव से अहिंसा के मार्ग पे चल रहे हैं। अब घर में देखे होंगे कई आपके माता पिता या दादी परदादी या नानी, कोई भी ऐसे लोग हैं जो स्वभाव से प्रसन्न रह रहे हैं। उनको कोई चीज छूती नहीं है, मुस्कुराते रहेंगे। जन्म से जो सिद्ध होने वाली समाधि, ये अलग है। समाधि एक ऐसी चीज है जिसके लिए देवता भी और आत्माएं भी, प्रेत भूत सब आत्माएं सब तरसती है। बार बार जन्म लेने का यही कारण है, फिर हम ऐसे निश्चिंत होके शांत हो।